जय हिंद वंदे मातरम स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर जासमई में तो चलिए शुरू करते हैं आज हम मैथ का एक नया टॉपिक औसत को लेकर आए हैं मैथ जीरो से हम सीखेंगे औसत को बिना पेन उठाए कोशिश करेंगे कि आप बिना पेन उठाए से हम कर सकें ये सी यूपीटेट यू पी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ठीक है और भी विषय के लिए इम्पोर्टेंट ये बेसिक से है बेसिक की जरूरत हर किसी में पड़ती है ठीक है चलिए शुरू करते हैं पहले समझते हैं औसत क्या औसत मतलब अंग्रेजी में से बोलते हैं एवरेज एवरेज ठीक है तो एवरेज का मतलब होता योग है योग बटे संख्या मतलब जो दिया हुआ है उसका योग और बटे संख्या कितनी संख्या है वो लिखना है ठीक है योग बटे संख्या है ठीक है अगला देखें जैसे पहला ये करके देखते हैं एक दो तीन चार पाँच का औसत बताइए तो इसका औसत क्या हो मैंने बताया मतलब संख्याओं का योग बटे संख्या तो इनका योग करना है मतलब इनको जोड़ करना है सभी का प्लस सभी को और बटे संख्या है कितनी है पाँच है तो पाँच नीचे तो इन्हें जोड़ लिया जाएगा ती एक और दो तीन और तीन छः और चार दस और पाँच पंद्रह मतलब पंद्रह बटे पाँच तो पाँच एक गढ़ पाँच दिया पंद्रह इसका तो औसत क्या आ जाएगा तीन आ जाएगा औसत आ जाएगा तीन ठीक है जैसे आगे समझते हैं इनको जोड़ लिया सभी को प्लस लिखा बटे संख्या कितनी है पाँच कि है इन्हें जोड़ लिखा पंद्रह बटे पाँचा काटा, पाँच दिया काटा, मतलब तीन हो गया तो इसका आंसर क्या हो गया तीन अब ट्रिक ही वे में समझते ट्रिक क्या है जैसे अगर क्रमागत दिया हो क्रमागत दिया हो तो आगे से भी हटा दो पीछे से भी हटा दो दोनों तरफ से हटा दो जितनी जितनी संख्या हटाओ सेम सेम हटाओ जैसे दो हटाएँ इधर से तो दो इधर से भी हटाओ और जो बीच का बच जाए वही हो गया आंसर ठीक है वही हो गया आंसर जैसे अगला देखते हैं दो चार छः आठ दस का औसत बताइए तो इसका ही मतलब इन सबको ऐड करना है सभी को ऐड करके बटे संख्याओं की संख्या पाँच है इन्हें जोड़ लो दो चार छः और छः बारह आठ बीस और दस तीस तीस हो गया तीस बटे पाँच पाँच से काटेंगे है पाँच छक तीस पाँच छक तीस मतलब छः बार गया तो छः इसका आंसर हो गया ये छः ट्रिकी वे में इधर से भी दो हटा दो उधर से भी दो हटा दो बीच का बचा ये हो गया औसत ठीक है ये होगा सिर्फ क्रमागत के लिए समझ इतना ध्यान रखेंगे ठीक अगला देखो जैसे अब इसे समझ लेते हैं दो चार छः आठ दस ये जोड़ लिए जोड़ तीस बटे पाँच हो गया पाँच से काटा पाँच छक तीस अब ट्रिकी वे मतलब इधर से इधर काट दो इधर से ये काट दो तो बीच का जो बचा वही हो गया आंसर हमारा ठीक है छः हो गया आंसर ठीक समझ सकते हैं अगला तीसरा देखो एक तीन पाँच सात नौ ग्यारह का औसत बताइए यहाँ पे ग्यारह नहीं दिया हुआ है ठीक है पहले इसी को समझ लेते हैं तो मतलब दो यहाँ से हटा दिए दो यहाँ से हटा दिए और आंसर आ गया पाँच अब यहाँ पे मान लिया ग्यारह भी होता यहाँ पे मान लिया हमने ग्यारह भी होता तब क्या करते मतलब दो इधर से हटा देते और दो इधर से हटा देते अब बचे कितने पाँच और सात तो पाँच और सात के बीच में क्या आ रहा है पाँच और सात के बीच में क्या आ रहा है छः आ रहा है तब हमारा औसत क्या हो जाता है छ हो जाता ठीक है तब हमारा औसत क्या हो जाता छ हो जाता ठीक है चलो आगे देखते हैं सवाल नंबर चौथा दो चार छ आठ दस बारह का औसत बताइए से दो चार छः आठ दस बारह का मतलब दो इधर से उड़ा दिए दो इधर से उड़ा दिए अब इन बीच में देखो छः और आठ के बीच में कौन सी संख्या बन रही है तो छः और आठ के बीच में बनता है सात तो यही आंसर हो गया या फिर ऐसे ऐड कर लेते हैं न जोड़ते हैं दो और चार छः छः बारह बारह आठ बीस दस तीस और बारह बयालीस तो बयालीस बटे छः तो सात छिंग बयालीस ऐसे भी निकाल सकते हैं ठीक है ठीके? चलो आगे देखते हैं सवाल नंबर सात सवाल नंबर पहला है मतलब ये दूसरे टाइप के पहला है ठीक है सात क्रमागत संख्याओं का औसत बीस है मतलब जो सात क्रमागत संख्याए हैं उनका औसत कितना है बीस है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी ये संख्या ये गलत लग गया है संख्या सबसे बड़ी कौन सी है ये बता जैसे बीस है क्रमागत है कितनी है सात है सात है मतलब तीन इधर जाएंगी और तीन इधर तो तीन इधर जाएंगी मतलब बीस इक्कीस बाईस और तेईस तो सबसे बड़ी ये कौन सी हो जाएगी तेईस सबसे बड़ी हो जाएगी तेईस जैसे समझते हैं मतलब नहीं ये लिख लिया बीच क्या है पता है कितनी है ट्वेंटी है इधर की ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी मतलब सीरियल से ही तो आएगी मतलब भी बढ़ेगी एक तरफ से क्रमागत क्रमागत लिखा हुआ है तो मतलब क्रम से ही आएगी तो यहाँ पे तेईस आएगी सबसे बड़ी तेईस हो जाएगी अगर छोटी पूछा जाए तो कितनी हो जाएगी सत्रह हो जाएगी अगर छो, छोटी पूछा जाए और जब बड़ी पूछी तो बड़ी हो गई तेईस ठीक है बड़ी हो गई तेईस चलो आगे देखते हैं अगला सवाल पांच क्रमागत संख्याओं का औसत सत्ताईस मतलब पांच जो क्रमागत संख्या है उनका औसत कितना है सत्ताईस है इनमें से सबसे बड़ी मतलब पांच है तो इधर की तरफ भी दो होगी और दो इधर की तरफ तभी तो पांच होगा मतलब सत्ताईस के बाद अट्ठाईस उसके बाद उनतीस यही तो होगा तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी सबसे बड़ी हो जाएगी उनतीस अगर छोटी पूछी जाएगी तो सत्ताईस के बाद छब्बीस छब्बीस के बाद पच्चीस तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी पच्चीस हो जाएगी ठीक है तो छोटी हो जाएगी पच्चीस जैसे इधर देखते हैं मतलब सत्ताईस हमारा औसत है इधर बढ़ेंगे तो अट्ठाईस और उनतीस और इधर बढ़ेंगे तो छब्बीस पच्चीस मतलब हमें पता है दाहिने तरफ हमेशा बढ़ते हैं और बाएं तरफ हमेशा घटते हैं तो उनतीस हो गया इसका आंसर फिर क्या हो गया उनतीस हो गया ठीक है ध्यान रखेंगे आगे देखें आगे देखें ग्यारह संख्याओं का औसत इक्कीस है मतलब जो ग्यारह संख्या उनका औसत इक्कीस यदि दी गई संख्याओं में तीन जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा मतलब नया औसत वही होगा जो औसत में भी तीन जोड़ दिया डायरेक्ट औसत में तीन जैसे इक्कीस प्लस तीन बराबर इक्कीस और तीन कितने हो गया चौबीस तो ये औसत क्या हो जाएगा चौबीस मतलब प्रत्येक संख्या में तीन तीन जोड़ें तो औसत में भी तीन जोड़ जाएगा ये डायरेक्ट ही सीधा हो जाए जैसे मतलब इक्कीस तो है ये औसत कितना है तीन है और सभी में तीन तीन जोड़ रहा है तो सभी में तीन मतलब इसमें भी तीन जुड़ जाएगा इक्कीस और तीन हो जाएगा चौबीस आंसर हो जाएगा चौबीस ठीक है तो उनका औसत हो जाएगा चौबीस बारह संख्याओं का औसत पैंतीस है यदि संख्या के दोगुने के रूप में कर दें तो नया औसत क्या होगा मतलब जो संख्याएं हैं उनको दोगुना करती हो जाए संख्या को जब दोगुना करेंगे तो औसत भी दोगुना हो जाएगा पैंतीस तो गुणा दो बराबर सत्तर तो आंसर क्या हो जाएगा सत्तर मतलब का आंसर क्या हो जाएगा सत्तर हो जाएगा जैसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा सत्तर ठीक है मतलब जो औसत में हम दोगुना करेंगे जैसे संख्याओं का अगर दोगुना करेंगे तो हमें औसत में भी दोगुना करना पड़ेगा पैंतीस दूनी दोबारा से देख लें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सत्तर हो जाएगा ठीक है क्योंकि हमें जब संख्याओं में डबल होगा तो औसत में भी डबल होगा ठीक है अगला देखें अच्छा अगला देखें सवाल नंबर पाँच में पचास तक की सभी सम संख्याओं का औसत सम दिया हुआ है ठीक है यहाँ पे सम संख्याओं का औसत तो पचास तक की मतलब शुरुआत होगी दो से और एंड होगा सौ पर तो सौ और दो तो मतलब इनको दोनों को जोड़ दिया जाएगा बटे दो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो सौ और कितना तो हो गया सौ और दो तो एक दो बटे दो दो से काट दें तो पंजे दस दो एक दो नहीं 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 क्या हो ये पचास तक की पूछाया सॉरी सॉरी पचास तक की पूछाया मैं सौ तक की निकाल देना पचास तक मतलब दो से स्टार्ट होगा और पचास पे ख़त्म होगा तो पचास और दो हो गया बावन तो बावन बटे दो दो से काटेंगे तो हो गया छब्बीस दूनी बावन मतलब छब्बीस आया तो आंसर क्या हुआ छब्बीस हुआ जैसे आगे देख लेते हैं इसमें दो चार छः आठ दस पचास तक मतलब लास्ट वाली ले लेना है और हमें अंत वाली ले लेना है लास्ट वाली और पहली वाली इन दोनों को जोड़ना है मतलब इधर लास्ट में पचास है पहले दो है तो दो और पचास कितना हो गया बावन और बावन से अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा अंतर छब्बीस छब्बीस आ जाएगा ठीक है चलो अगला देखते हैं सौ तक की विषम संख्याओं का औसत मतलब सौ तक की विषम संख्या जैसे विषम की शुरुआत एक से होगी फिर तीन पाँच डॉट 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 निन्यानवे ठीक है निन्यानवे निन्यानवे हो जाएगा अब निन्यानवे देखें मतलब सौ नहीं जाएगा क्योंकि सौ तो एक सम संख्या हो जाएगी अब मैंने क्या बताया मतलब अंत की और लास्ट शुरू की, की और लास्ट की दोनों को जोड़ने तो पन प्लस निन्यानवे बटे दो इन्हें जोड़ लेंगे नौ निन्यानवे और एक सौ बटे दो दो से काटेंगे तो पच्चीस दूनी पचास पचास दूनी सौ आंसर कितना आएगा पचास आएगा आंसर आएगा पचास ठीक है आंसर आएगा पचास जैसे देख लो यहाँ पे एक तीन पाँच सात डॉट 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 नाइन्टी नाइन नाइन्टी नाइन को जो ऐड करेंगे निन्यानवे और, और एक सौ दो का भाग देंगे कितना आ जाएगा पचास आ जाएगा ठीक है बस इतना विशेष ध्यान रखें लास्ट वाली और पहली वाली को जोड़ा जाता है और जब दो जोड़ी जाती है दो संख्या तो दो का भाग दिया जाता है ठीक है दो का भाग दिया जाता है अगर वीडियो अच्छी लगी हो या चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें लाइक करें शेयर करें और मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं जिससे मैं अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करूं और मेरी ये शिक्षा है हित में शिक्षा ठीक है राष्ट्र हित में शिक्षा जिससे मैं अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षित कर सकूँ ठीक जय हिंद वंदे मातरम जय श्री राम